आज मल्टीडू फन के चॉकलेट चैलेंज में चॉकलेट से बेहतर कुछ भी नहीं होगा, इसलिए सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। हमारे साथ बने रहे। आओ देखते हैं इस राउंड में ढक्कन के नीचे कौन सा स्वादिष्ट खाना छिपा है। क्या कैक्टस? लेकिन मैं इसका क्या करूंगी? अजीब, और मेरे पास क्या है? मेरा भी कैक्टस अजीब है। क्या हमें वाकई उन्हें खाना है? ये बहुत कांटेदार है, मुझे तो पता भी नहीं है। मुझे लगता है कि पहले ये जांचना होगा कि उनकी सुइयां कितनी कांटेदार है। ऐसा करने का केवल एक ही तरीका है। अजीब है, ये बिल्कुल नहीं चुभता है। ये चॉकलेट है। जैक, तुम्हें पता नहीं कि मैं कितनी खुश हूँ। मुझे कांटेदार कैक्टस के साथ उलझना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक चॉकलेट मिली है और ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे नहीं पता था कि ऐसी चीजें भी होती हैं। अगर तुम्हारा कैक्टस चॉकलेट से बना है तो मेरा भी ऐसा ही होगा। तुमने मेरे मन में उम्मीद जगा दिया है। आखिरकार मैं कुछ स्वादिष्ट खाऊंगा। आओ! क्या हुआ जैक, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी नाक लाल क्यों है? ये सब उस बेवकूफ कैक्टस की वजह से है। मेरी सहायता करो। हाँ, ये हर जगह है। नाक पर कांटे, जीभ पर कांटे, हर जगह कांटे। बेचारा जैक। मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम्हें कितना दर्द हो रहा होगा। लेकिन अब यह काफी बेहतर है, तुम्हारी वजह से। धन्यवाद। लेकिन मैं वैसे भी इस कैक्टस से निपट लूंगा, और कोई कांटा मेरे लिए बाधा नहीं बनेगी, क्योंकि उन्हें सिर्फ उड़ाया जा सकता है, और सही आकार का एक टुकड़ा हमेशा एक अच्छी पुरानी कुल्हाड़ी से काटा जा सकता है। मुझ पर नहीं। वाह, क्या निशाना है। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो जैक। धन्यवाद। लेकिन सबसे मुश्किल काम अभी बाकी है। अब ये चीज खाने की जरूरत है। कितना घिनौना है। चलो जैक, करो। बहुत बढ़िया, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम कर सकते हो। जैक एक चैंपियन है। जैक चैंपियन है। चलो बस थोड़ा सा बचा है, सच मुझे एक दो बाइट। हुर्रे, तुमने कर लिया। यह उस तस्वीर में कैक्टस है। मैं एक और कैक्टस बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओह, ऐसा लगता है कि जैक को मेरा झंडा पसंद नहीं आया। चलो देखें कि हमें क्या ट्रीट्स मिले हैं। अरे वाह, ये चॉकलेट आइसक्रीम है, स्वादिष्ट। लेकिन मेरे पास साधारण मकई है। मुझे उम्मीद है कि यह चॉकलेट के साथ ज्यादा स्वादिष्ट होगा। लेकिन चॉकलेट आइसक्रीम अभी भी मकई से ज्यादा स्वादिष्ट है। बेशक, लेकिन सुजीत, तुम आज इस आइसक्रीम को सूंघ सकती हो। मुझे लगता है कि अगर चॉकलेट आइसक्रीम में थोड़ी और चॉकलेट मिला दे तो ये दुगनी स्वादिष्ट हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके साथ बिल्कुल खुश रहूंगी। ठीक है, और बहुत सारी चॉकलेट आइसक्रीम जैसी कोई चीज नहीं होती है। काश मैं एक ही बार में सब कुछ खा पाती। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं सच में इसका मजा लेना चाहती हूँ। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। ए माँ, तुम इतना कष्ट क्यों उठा रही हो? किसने कहा कि मुझे कोई दिक्कत है? मैं इस आइसक्रीम के हर बाइट का मजा ले रही हूँ। हालांकि कमरा ठंडा हो गया है, या यह सिर्फ मुझे लग रहा है? क्या मुझे खिड़की बंद करनी चाहिए? वाह, यह स्वाद तो बस। एमा पूरी तरह जम गई है। और मैंने तुमसे कहा था कि आइसक्रीम के साथ मजाक मत करो, यह बहुत खतरनाक है। लगता है कि बची हुई आइसक्रीम अब मेरी है। यह अच्छा है। लो, मैं फिर आ गई, तो यह फिर से मेरा है। यह मत सोचो कि तुम मुझसे इतनी स्वादिष्ट चीज चुरा सकती हो। मैं इसे कभी नहीं दूंगी। बेहतर होगा कि जल्दी अपने बेस्वाद मकई के खाने के लिए तैयार हो जाओ। ये तुरंत बेस्वाद क्यों हो गया? शायद चॉकलेट फाउंटेन इसे कुछ खास में बदल देगा। मुझे पता है कि चॉकलेट आमतौर पर बहुत कुछ करने में सक्षम होती है। तो कैसा है, क्या इसे मदद मिली? नहीं, यह भयानक है। मकई खाने के बारे में आखिर किसने सोचा था?
हालांकि मेरे पास एक आइडिया है। मकई से बहुत ही स्वादिष्ट चीज बनती है। आमतौर पर वे इसे सिनेमा में खरीदते हैं। लगता है कि मुझे पता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। बेशक, क्योंकि मैं अभी साधारण मकई के दानों को असली पॉपकॉर्न में बदलने जा रही हूँ। मैं इसे एक असली वेल्डिंग मशीन के साथ करूँगी। अच्छा है कि पापा ने मुझे इसका इस्तेमाल करना सिखाया। ओह, यह अच्छा दिख रहा है। लगभग तैयार? हाँ, पूरा तैयार। देखो कितना सुंदर है। अब पॉपकॉर्न को केवल बकेट में डालना ही बचा हुआ है, इसलिए यह खाने के लिए और अधिक दिलचस्प होगा। मुझे पहले से ही अंदाजा हो रहा है कि कितना स्वादिष्ट होगा जब मैं इसे चॉकलेट पॉपकॉर्न बनाऊंगी। जरा सोचो यह कैसा होगा। मुझे तो सोच कर भी स्वादिष्ट लग रहा है। यह खाने का समय है। मैं कब से कुछ स्वादिष्ट खाना चाह रही थी। पॉपकॉर्न मेरी सभी अपेक्षाओं को पार कर गया। तुम्हारे पास इतने सारे पॉपकॉर्न हैं, शायद तुम इसे मेरे साथ शेयर करोगी? नहीं, मैं इसे खुद खाऊंगी। ठीक है, फिर मुझे यह पॉपकॉर्न तुमसे जबरदस्ती लेना होगा। यह मुझे दो, तुम्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करके खाना चाहिए। तुमने क्या किया? अब सारा पॉपकॉर्न टेबल पर होगा। लेकिन बाल्टी वहीं गिरी जहां उसे होनी चाहिए। और मेरे पास इतना स्वादिष्ट पॉपकॉर्न है और मुझे टेबल से खाने में कोई दिक्कत नहीं है। जैक रुको, चलो रॉक पेपर सीजर से पता करें कि सबसे पहले ढक्कन कौन खोलेगा। रॉक पेपर सीजर शूट, हुरे, मैं जीती। तो पहले मैं पता लगाऊंगी कि यहाँ क्या स्वादिष्ट छिपा है। अरे वाह, चॉकलेट स्ट्रॉबेरी। स्वादिष्ट और सुंदर दोनों, लगभग उपयोगी भी। वाह, मुझे भी वो चाहिए। बेशक, मैंने केवल स्वादिष्ट है बल्कि बहुत सुगंधित भी है। मैं बस जल्द से जल्द सभी बेरीज को अपने मुंह में भरना चाहती हूँ। लेकिन इससे पहले मैं असली जगलिंग मास्टर क्लास दिखाऊंगी। जगलिंग बहुत मजेदार मास्टर क्लास। तुम्हारा पूरा चेहरा मस्त दिख रहा है। पता नहीं मुझे कौन सी स्वादिष्ट चीज मिलने वाली है। अरे वाह, असली स्ट्रॉबेरी। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे जगलिंग की जाती है। अनारी, मैं अकेली नहीं हूँ जो यहाँ जगलिंग नहीं कर सकता। बदकिस्मती से मैं नहीं कर पाया, लेकिन मेरी बेरी स्वादिष्ट है। हाँ, गर्मी का स्वाद। वैसे मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। तुम्हारे आइडिया के कारण मैं क्यों भुगतूं? यह कचरा फेंकना बंद करो, बस करो। यह मजाक नहीं है। मेरे बालों में ये स्ट्रॉबेरी टेल्स फंस गई है। जैक, इसे रोको। तुम किस लिए चिल्ला रही हो? मेरा हो गया। मेरे पास अभी एक अच्छा आइडिया है। मैं स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाऊंगा। मिल्क शेक मुझे भी चाहिए। सही बात है, मिल्क शेक सबसे स्वादिष्ट दूध के साथ। हाथ से बने मिल्क शेक से ज्यादा स्वादिष्ट कुछ नहीं होता है। पर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? एक स्वादिष्ट कॉकटेल बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि तुम्हें खाना बनाने में माहिर होना चाहिए। यह वैसे भी स्वादिष्ट बनेगा। और इसके लिए एकदम सही कॉम्बिनेशन होगा, व्हिप्ड क्रीम। बिना व्हिप्ड क्रीम के कैसा मिल्कशेक? तड़ाम। ऑसम। देखो कितना खूबसूरत है। मैं भी इसे पीना चाहती हूँ। जी नहीं, ये मेरा मिल्कशेक है और मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा। लालची, लेकिन मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है कि तुम्हें कैसे सबक सिखाया जाए। तुम्हारी क्रीम इसमें मेरी मदद करेगी। अब जो होगा इसके लिए तुम तैयार हो जाओ जैक। तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए। जब तक तुम ठीक हो रहे हो, मैं जल्दी से तुम्हारा मिल्कशेक पी लेती हूँ। तुम क्या कर रही हो? रुको, यह मेरा है। मैं क्या पीऊंगा? उफ। ओह, अब मुझे बस अपने चेहरे से क्रीम चाटनी है। यह सही नहीं है। शायद यह सही नहीं है, लेकिन यह बहुत स्वादिष्ट है।
अब मैं अपने स्वादिष्ट खाना का दूसरा भाग शुरू करने के लिए तैयार हूँ, चॉकलेट बेरी। जैक, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें दिखाऊं कि मैं उन्हें कैसे फेंकती हूँ और पकड़ती हूँ? आसान। अच्छा हुआ कि तुम इसे मेरे साथ शेयर करो। मुझे क्यों शेयर करना चाहिए? ये बहुत ही स्वादिष्ट है। रुको, मेरी बेरी कहाँ है? वो अभी मेरे ऊपर थी। What the? मैंने कुछ नहीं किया है, पर तुम्हारे चेहरे पर के चॉकलेट तो कुछ और ही बता रहे हैं। चलो देखें कि तीखे सॉस के साथ तुम्हें बेरी कैसा लगता है। मुझे लगता है ये बहुत स्वादिष्ट होगा। पकड़ लिया। मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हें बेवकूफ बनाना इतना आसान होगा। तो कैसा है, स्वादिष्ट बेरी? हाँ, कुछ खास नहीं। आउच, कुछ गड़बड़ है। तुम्हें पता चल जाएगा कि दूसरों की ट्रीट चुराने का परिणाम क्या होता है। आग बहुत तेज हो गई है, इसे बुझाने का समय आ गया है। जैक, तुम जिंदा तो हो ना? हाँ, लेकिन वो बहुत तीखा था। वाह, कितनी अच्छी सुगंध है। क्योंकि ये चॉकलेट है। देखो जैक, तुम्हें क्या मिला है, मुझे भी ये लेना है। ये बड़ी बॉल की तरह दिख रहा है, मैं इसके साथ खेलना चाहता हूँ। मुझे बास्केटबॉल बहुत पसंद है। देखो मैं क्या कर सकता हूँ। वाह, बुरा नहीं है। क्या तुम रिंग में खेल सकते हो? मैं इसे पकड़ती हूँ और तुम बॉल डालो। एकदम सही निशाना। वाह, वो विशाल आके छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई हैं और ये पूरी तरह से चॉकलेट में डूबे हैं। बहुत बढ़िया, लगता है तुम्हें अब इन कपड़ों की जरूरत नहीं है। आज खेल कूद की वजह से मैंने पहले ही बहुत ऊर्जा खर्च कर दी है। अब खाने का समय है। गमी आंखें चॉकलेट के साथ बहुत स्वादिष्ट लगती हैं। मैं देख रही हूँ कि तुम्हें इसका स्वाद पसंद आ रहा है। ओ हाँ, मैं तो रुक ही नहीं पा रहा हूँ। जी, ये तुम्हारे पास क्या है? एक बड़ा सा बदबूदार लहसुन। मुझे नहीं, यह नहीं मिलना चाहिए था। हवा को तुरंत फ्रेश करना होगा। अब ठीक लग रहा है, अब इसे खा सकते हैं। आशा है कि चॉकलेट लहसुन के स्वाद में सुधार करेगी और मुझे निराशा नहीं होगी। ये क्या हुआ? What? मुझे नहीं पता। मुझे लगता है ये पूरा लहसुन चॉकलेट का बन गया है। वाह, इस तरह के लहसुन को खाने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। देखो ये टुकड़े कितने बड़े हैं। मुझे लगता है कि अगर इस पर और चॉकलेट डालेंगे तो इसका स्वाद और भी अच्छा हो जाएगा। चॉकलेट पर चॉकलेट, मैं काफी भाग्यशाली हूँ। काश मैं भी ये खा पाता। क्या मैं एक टुकड़ा ले सकता हूँ? जैक, ये मेरा लहसुन है, अपने हाथ हटाओ। तुम एकदम स्वार्थी हो। खैर, अपना लहसुन खाओ, मैं तुमसे नाराज हूँ। देखो अब मेरे पास मूंछें हैं। ये तुम्हें सूट करता है जैस। अरे, हमारे प्लेट में खाना आ गया, स्ट्रॉबेरी। बहुत अच्छा, ये बहुत पके हुए हैं। अच्छी बात है कि ये पूरी प्लेट भरकर है। मैं इसे तुम्हारे साथ बदलना चाहता हूँ। मुझे नींबू बिल्कुल पसंद नहीं है, ये बहुत खट्टे हैं। तुम्हें जो मिला है उसी से संतोष करो। अब मेरे पके स्ट्रॉबेरीज खाने का समय है। ये कितना सुंदर है। अब ये और भी सुंदर हो जाएंगे क्योंकि मैं इस पर चॉकलेट डालूंगी। वाह, ये कमाल के लग रहे हैं। पता नहीं इसका स्वाद कैसा होगा। मैं सही थी, ये बहुत पके, मीठे और रसदार है। प्लीज मुझे भी थोड़ा दो ना। मुझे परेशान मत करो जैक, मुझे पता है कि मेरी बेरी का क्या करना है और मैं निश्चित रूप से इसे किसी के साथ शेयर करने नहीं जा रही हूँ। मैं इस बर्तन में चॉकलेट ले लेती हूँ और स्ट्रॉबेरी के ऊपर डाल देती हूँ। यह हर बेरी को एक एक करके फाउंटेन में डुबाने से कहीं ज्यादा सुविधाजनक है। यार, ये चॉकलेट कितनी अच्छी तरह से गिर रहा है। अब ये स्ट्रॉबेरी दुनिया की सबसे अच्छी दुकान से लाई हुई चॉकलेट लग रही है। बस थोड़ा इंतजार करना होगा। अब चॉकलेट जम गई है। अब मेरे पास एक विशाल स्ट्रॉबेरी चॉकलेट बार है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और चॉकलेट तो मुंह में घुल ही जा रही है। तुम क्या देख रहे हो जैक? मुझे लग रहा था तुम मुझे भी दोगी। वैसे अब बस एक ही टुकड़ा बचा है। काश तुम्हें यह मिल जाता। धोखेबाज, और मैंने तुम पर विश्वास किया। मुझे अपने खट्टे नींबू खाने होंगे। मैं यह नहीं खाना चाहता, ये सही नहीं है। शायद चॉकलेट उसके खट्टे स्वाद को ठीक कर दे। मैं उम्मीद के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। देखने में तो अच्छा लग रहा है, पर क्या इसका स्वाद भी अच्छा होगा? सच कहूँ तो मुझे इसमें शक है। अगर किस्मत साथ दे तभी कुछ हो सकता है।
मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कितना खट्टा होगा, भयानक होगा, या इससे भी बुरा हो सकता था। आश्चर्य की बात है कि मुझे ये पसंद आया। क्या सच में चॉकलेट ने खट्टे स्वाद को खत्म कर दिया और ये बहुत स्वादिष्ट निकला। अजीब है, ओ, मुझे कुछ हो रहा है। जैक, तुम मुझे डरा रहे हो। अरे क्या तुम मुझे सुन रहे हो? होश में आओ। लगता है ये खट्टे का धीमा रिएक्शन है, इसे मीठे के साथ बेअसर करने की जरूरत है। मैं सिरिंज में और चॉकलेट डालूंगी और सीधे उसके मुंह में डाल दूंगी। तैयार हो गया, दोस्त को बचाने का मिशन शुरू होता है। मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, रुको मत जस। ओह, मैं फिर से सांस ले सकता हूँ। तुमने मुझे बचा लिया, धन्यवाद। मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। और हमारा खाना कहाँ है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओ, मुझे कुछ मिला, हुरे! अरे नहीं, मैं जल्दी खुश हो गई। यह मिर्च है, मुझे तो उसे देखने से भी नफरत है, लेकिन चिप्स की बात ही कुछ और है। मैं इसके साथ खुश हूँ। देखो यह कितना क्रिस्पी है। पर अफसोस, यह चॉकलेट के साथ अच्छे से नहीं जाता है। फिर भी कोशिश करके देखना चाहिए, शायद अच्छा लगे। चलो मुझे निराश मत करो, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, एकदम बेकार। मेरे पास एक आइडिया है, आशा है कि स्थिति को ठीक करने में मदद करेगी। चॉकलेट सीधे जार में डालता हूँ, चिप्स उसमें भींग जाएंगे और खुद चॉकलेट बन जाएंगे। बस इसे ठीक से हिलाने की जरूरत है। चलो देखते हैं कि मैंने क्या किया है। बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। आशा है मेरी योजना 100% सफल होगी। बस थोड़ा और चॉकलेट डालता हूँ। चॉकलेट कभी भी ज्यादा नहीं होता। यह कमाल का है, मुझे बस चॉकलेट का स्वाद आ रहा है और कुछ नहीं। तुम किस्मत वाले निकले, पर मैं नहीं। लेकिन अब कुछ बदला नहीं जा सकता, मुझे यह खाना होगा। मैं चाहती हूँ कि मेरी किस्मत मेरा साथ दे और यह मिर्च चॉकलेट हो जाए। अब पता लगाने का समय है, काम किया या नहीं। अरे नहीं, आग लग गई। ओह, अब ये मजाक नहीं है, वेंडी सब जला देगी। हालांकि उसने मेरे चिप्स को बदल दिया, लेकिन फिर भी मुझे रोकना होगा। रुको, मैं अभी आग बुझाने वाली मशीन लाता हूँ, वो यहाँ है। ओह, कितना अच्छा। मुझे और फोम चाहिए जैक। फ्यू, धन्यवाद, तुमने मुझे बचा लिया। मुझे खुशी है यह खत्म हो गया। आग के कारण मैं अपने विशाल चिप्स को पूरी तरह से भूल गया था। तुम्हें चाहिए? हाँ, क्यों नहीं। ओह, कितना भारी है, इतनी सारी चॉकलेट, मैंने ऐसा ख्वाबों में देखा था। तुम्हारे बिना कुछ नहीं होता। मैं इंतजार करके थक गया हूँ, मैं तो कहता हूँ थोड़ा खा लेना चाहिए। हमें फाउंटेन से ऐसे नहीं खाना चाहिए। यहाँ खाना आ गया, बहुत बढ़िया। यह स्टिक पर रंगीन कैंडी है, कितना अच्छा, और ये चॉकलेट के साथ भी अच्छे से जाएंगी। चॉकलेट? ओ, मैं पूरी तरह से भूल गई थी कि ये चिकन लेग को बर्बाद कर देगी। हाँ, ये जोड़ी अच्छी नहीं है। आशा करती हूँ कि हम लोग गलत हों। हो सकता है ये इतनी बुरी ना हो, मुझे पता लगाना चाहिए। ये बहुत अजीब लग रहा है, मुझे शुभकामनाएं दो जैक। छी, मैं तो इसके स्वाद की कल्पना करने से भी डर रहा हूँ। अच्छा होगा कि तुम ऐसा ना करो, मैं उसे भूलने के बारे में सोच सकती हूँ। काश, पर अब तुम ऐसा नहीं कर सकती। बस मजाक बहुत हो गया, क्या तुमने मुझे माथे पर मारा? वैसे अभी यह चॉकलेट है, बहुत स्वादिष्ट। मुझे खुशी है कि किसी को तो आज का खाना पसंद आया। और कितने टुकड़े बचे हैं, मुझे किसी भी तरह से ये सब खाना ही होगा। कोई बात नहीं, मैं मजबूत हूँ और मैं ये निश्चित रूप से कर सकती हूँ। मेरे लिए दुआ करना। मैं कल्पना करने की कोशिश करती हूँ कि यहाँ चॉकलेट नहीं है और पूरा ध्यान चिकन पर लगाती हूँ। वाह, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें ये पसंद आ रहा है। मैं केवल चिकन के बारे में सोच रही हूँ और इससे मुझे मदद भी मिल रही है। ओह, एक और लेग। वाह, मैं भी ऐसा कर पाता, मुझसे सीखो, मैंने बहुत अच्छा किया। ये मेरे लिए अब उपयोगी तो नहीं होगा, और इस पैर का इस्तेमाल किया जा सकता है। तुम क्या कर रही हो? अभी तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा। देखो इसमें कितनी सारी चॉकलेट लग गई, और अब मैं सब खा लूंगी। ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे ऐसा मीठा चिकन लेग सामान्य से ज्यादा पसंद है। अद्भुत, तुमने ऐसा कैसे सोचा? आज के लिए इतना काफी है, अब तुम। यह अच्छा है कि मुझे कुछ भी आविष्कार करने की जरूरत नहीं है, ये पहले से ही बहुत स्वादिष्ट है। मेरे कैंडी को देखो, बेकार लग रहा है, मुझसे जलन हो रही है। बस अब बातचीत बहुत हो गई, अब मीठे कैंडी को चॉकलेट में डालने की जरूरत है। और अब मैं अपने दांत से इसे काटने के लिए तैयार हूँ, एक असली बाघ की तरह। ओ, यह कमाल के है। ओ,
ये मुझे कैसा महसूस हो रहा है? मेरे मुंह में कैंडी के अलावा भी कुछ है। अरे नहीं, ये मेरे दांत है, मैंने उन्हें तोड़ दिया। कितना भयानक, मैं कितना बदसूरत लग रहा हूँ। ओह चिंता मत करो जैक, मुझे पता है इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। अब मैं तुम्हारे दांतों को वापस उसकी जगह पर रखूंगी। मैं लगभग तैयार हूँ, बस मास्क और दस्ताने पहनने हैं। एक डेंटिस्ट को बहुत सावधानी पूर्वक सब काम करना चाहिए। अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, सारे उपकरण मेरे पास हैं। चलो, मुझे डर लग रहा है। अपना मुंह खोलो और शांत होकर बैठ जाओ, डॉक्टर काम कर रही है। अब मैं तुम्हारे दांतों को पहले की तरह ठीक कर दूंगी, तुम्हें आश्चर्य होगा। वाह, सच में मेरे दांत वापस अपनी जगह पर आ गए हैं। तुम्हें धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, ये मेरा कर्तव्य था। तुम बहुत अच्छी हो जैस, तुम्हारी वजह से अब मैं अपना कैंडी खा सकता हूँ। तुम क्या कर रहे हो जैक, क्या तुम फिर से अपना दांत तोड़ना चाहते हो? अरे वाह, इतना बड़ा केक, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? प्याज, मुझे ये क्यों मिला? वाह, वेंडी को स्वादिष्ट केक मिला है, ये सही नहीं है। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी जगह पर नहीं हूँ। आशा है कि मैं इसे बर्दाश्त कर लूंगा। मैं प्याज को चॉकलेट में डुबो देता हूँ और फिर खाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है। पर मुझे पता है मुझे यह करना होगा। ऊपर का चॉकलेट तो ठीक है, पर प्याज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे उल्टी हो जाएगी। इसे जल्दी खत्म करो जैक, कितना खराब, बस हो गया, अब मैं नहीं खाऊंगा। इसका मतलब अब मैं शुरू कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि इस केक को टुकड़ों में काट लेना चाहिए और एक सौ इसमें मेरी मदद करेगी। यह केक बहुत मुलायम है। वाह, मैंने कर लिया। कभी कभी वेंडी मुझे डरा देती है। जब केक की बात हो तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकती। जरा इसे देखो, चॉकलेट से ढका केक तुम्हारे जीभ में पानी नहीं ला रहा। इसका स्वाद कमाल का है, मुझे बहुत चाहिए, मैं भी इसे खाना चाहता हूँ। मैं अपना केक किसी को नहीं दूंगी, इसके लिए तुम खुद ही जिम्मेदार हो वेंडी। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया। चलो देखते हैं कि तुम्हें प्याज का फाउंटेन कैसा लगता है। तैयार, बस थोड़ा इंतजार करना है। ओ, यह काम कर गया, मुझे और चाहिए। अब केक के एक और टुकड़े को चॉकलेट में डुबाने का समय आ गया है। आज कुछ भी मेरा मूड खराब नहीं कर सकता। छी, यह क्या है, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। इसने काम किया, अब मुझे केक खाने से कोई नहीं रोकेगा। मुझे इसे अपने करीब लाना होगा। यहाँ आओ मेरे प्यारे केक। ओह, मैं मास्क के बारे में तो भूल ही गया था। यह चॉकलेट चुनौती अब समाप्त होने वाली है। क्या आपको यह पसंद आया? यदि हाँ तो लाइक और सब्सक्राइब करें। और अभी आप इन ब्लूपर्स को देखें जो हमने आपके लिए बचा कर रखे हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों।